अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे, बहुत सारा ख्याल मुझे रख रहे होंगे। तो हमें याद, मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज वो फिर से मैं जो है वो ड्रेस डिज़ाइन के आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जो कि समर कलेक्शन है, लॉन के ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये तकरीबन जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये जो है वो किड्स के डिज़ाइन है और तकरीबन 5 साल से लेकर 10 साल की एज तक, और लॉन के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत है, किड्स के डिज़ाइन है। यही जो डिज़ाइन है वो बड़े जो लड़कियां हैं 25 साल की एज तक या 30 साल की एज तक, वो अपनी पैंट्स के साथ या शर्ट्स के साथ यही वाले डिज़ाइन देकर स्टिच करवा सकती हैं। और जो पैंट्स और टाइट्स के साथ शॉर्ट शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस तरह के आइडियाज़, ताकि ये बहुत यूनिक हैं। ये मैंने किड्स के ही स्टिच किए हैं, लेकिन ये इस टाइप के मैंने स्टिच किए हैं ताकि बड़े भी इनको जो है वो पैंट के साथ पहनने वाली जो शॉर्ट शर्ट्स हैं वो रेडी करवा सकें। बिल्कुल इस तरह के डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज की वीडियो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। तो फिर चले शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये मैंने लिया एक फुल सूट, 2.5 मीटर का एक सूट मैंने फुल लिया था, और इसके साथ जो मैंने 2 सूट जो है वो किड्स के रेडी किए हैं और बहुत ही जो ज़बरदस्त रेडी किए हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और आपको दिखाना शुरू करते हैं किस टाइप के मैंने डिज़ाइन जो है वो स्टिच किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है शॉर्ट शर्ट, इसका जो घेरा है वो मैंने रखा है गोल। ये मैंने जो है वो सिंपल फ्रॉक की कटिंग की थी और जो घेरा है वो मैंने गोल रख दिया था थोड़ा सा, ताकि ये अम्ब्रेला टच आ जाए इसको और बहुत अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ए लेंथ शर्ट के टाइप जो मैंने कटाई की थी इसकी, और इसके साथ ही जो है इसके बाजू जो मैंने फ्लफी रखे हैं, छोटे बाजू रखे हैं, हाफ स्लीव्स हैं, और बड़े वाले चुनर जो हैं वो मैंने कंधों के ऊपर भी दिए हैं और बाजुओं के आगे भी दिए हैं, और उसके ऊपर मैंने लेस रख के लगाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये, आप देख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट शर्ट्स रखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा छोटे बच्चे भी पहन सकते हैं, इनको थोड़ी सी ज़्यादा एज के बच्चे भी पहन सकते हैं। तो इसके जो गला है उसके ऊपर मैंने लगा दी है मगजी लगाई है, उसके ऊपर मैंने जो ट्राउज़र है उसके साथ की, और हल्का सा मैंने इसको चुनर दे दिया था, और यहाँ पर मैंने गले में एक साइड में कट रखा है और उसको डोरी बांध दी है, ताकि गला अगर छोटा बड़ा होगा तो आप आसानी से इसको पहन सकते हैं। और ये डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत जो है वो बन चुका है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो बाजू भी इसके बहुत खूबसूरत बने हैं, जो बैक साइड है वो भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी ही है और बहुत खूबसूरत जो लग रहा है। ज़्यादा मैंने इसके ऊपर जो है वो लेसे वगैरह यूज़ नहीं किए, सिर्फ बाजुओं के ऊपर यूज़ किए हैं, क्योंकि बाजुओं के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इसलिए। तो इसके साथ ही इसी शर्ट का जो है मैंने यहाँ पर ट्राउज़र स्टिच किया है, ये मैंने कैप्री स्टिच की है और सिंपल की है और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है वो लग रही है। शॉर्ट फ्रॉक के साथ जो कैप्री है बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कैप्री के जो पौचे हैं वो भी सिंपल है, उनके ऊपर मैंने लेस लगा दी है और बहुत ही अच्छा जो है वो ये लग रहा है। इसके साथ जो कपड़ा बच गया था इसमें से, उसकी मैंने एक और शॉर्ट शर्ट रेडी की है। जो शर्ट का कपड़ा था वो मैंने घेरे के ऊपर लगा लिया है, और जो बाकी ट्राउज़र में बचा था वो मैंने पेटी लगाई है इसकी, और पेटी लगाकर मैंने सिंपल जो है वो स्लीवलेस इसको रखा है बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। तो इसके साथ ही मैंने गले पर लगा दी है मगजी, हल्का सा कट लगा के, यानी कि कट दे के हल्का सा मैंने मगजी लगा दी, उसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा टैटू लगा दिया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, और जो फ्रंट साइड है वो भी बिल्कुल प्लेन थी, लेकिन मैंने टैटू लगाकर इसको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, ताकि ये जो पहना हुआ है बहुत अच्छा लगे, बच्चों के ऐसे कपड़े पहने हुए बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और इसी शर्ट के साथ मैंने बनाई है शॉर्ट निकर, ये आप देख सकते हैं शॉर्ट निकर मैंने बनाई है चुनर देकर, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। समर में तो इस तरह के जो कपड़े हैं वो बच्चों के पहने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, इस तरह जो बाज़ार से रेडीमेड भी मिल जाते हैं लेकिन वो लॉन कलेक्शन में नहीं होते, इसलिए मैं लॉन कलेक्शन पर ये आइडिया लेकर आई हूँ, ताकि आप इस तरह के जो ड्रेस डिज़ाइन हैं ये शॉर्ट निकर के डिज़ाइन है वो अपने जो है वो घर में खुद तैयार कर सकें। ये मैंने यहाँ पर इसको चुनट दिए थे और चुनट दे के इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉर्ट निकर रेडी हुई है। ये आपको फुल सूट में रख के दिखा देती हूँ, ये शॉर्ट निकर के साथ ये शॉर्ट शर्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियोज़ जो है वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे जो मैं डिज़ाइन आपके सामने वो लेकर आ रही हूँ लॉन के समर कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत है, आप इसको विंटर कलेक्शन में भी या मिड सीज़न में भी आप इसको रेडी करवा सकते हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि लॉन के ऊपर ही करवाएं, किसी के ऊपर भी करवा सकते हैं और बहुत खूबसूरत ये लगते हैं।
तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मुझे कमेंट जरूर करिएगा और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।